यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। विश्वविद्यालय प्रशासन हाय हाय, विश्वविद्यालय प्रशासन हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो। कई दिनों से चल रहे राजकीय महाविद्यालय अगस्त मुनि में बीएससी के छात्रों के अनुत्तीर्ण होने से खपा छात्र संघ के साथ आज विश्वविद्यालय प्रतिनिधि लवकुश भट्ट के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लवकुश भट्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय को कई बार अवगत कराने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिस कारण हमारे प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय जाकर खुद बात करेगा। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल एवं अनशन के लिए बाध्य होंगे। वहीं पीड़ित छात्र हिमांशु रावत ने कहा कि कई बार विश्वविद्यालय के चक्कर काटने के बावजूद भी मेरा बैग का परिणाम नहीं आया है, जिस कारण मुझे एवं मेरे सहपाठियों को पीजी में एडमिशन की दिक्कत के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी आवेदन में दिक्कतें आ रही हैं। इस मौके पर उपाध्यक्ष आशीष चंद्र, निधि, विनीत चमोला, अध्यक्ष विपिन, शुभम बिष्ट आदि मौजूद रहे। क्योंकि जो हमारे विश्वविद्यालय ने जो परीक्षाएं करवाई थी सितंबर माह में, उसका रिजल्ट उन्होंने नवंबर में 6-7 नवंबर को डिक्लेयर कराया, लेकिन इसमें हमें एक शंका है कि जो उन्होंने केमिस्ट्री का रिजल्ट दिया है हमें गलत दिया है, पूरा प्रॉपर्ली गलत दिया है। जैसे हमने बॉटनी और जूलॉजी का पहले पेपर दिया था उसमें तो ठीक मार्क्स हैं, जितने हमने किया उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे रखे हैं। अगर हम मानते कि हमारी गलती है उमर सीट भरने में, क्योंकि ये जो इस टाइम का पेपर हुआ था वो ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ था, अगर एक बच्चे की भी गलती होती या उमर सीट गलत भरी है तो रिजल्ट गलत आ सकता है। लेकिन यहाँ हमारे जो 6M के बच्चे हैं, बीएससी 6M के, उनकी सबकी लगभग केमिस्ट्री में जितना उन्होंने कराया उतनी मार्क्स नहीं दे रखी, और जिस वजह से 30 बच्चों पे भी बैक लग रखी है, और जो बच्चे पास भी हुए हैं उनकी भी लगभग 10-12 नंबर ऐसी हैं, जबकि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी लगभग 70 में से 50+ 40+ नंबर तो आ ही रही है। नेट से चेक किया, बुक से चेक किया, पूरे क्वेश्चन सही है, उसके बावजूद भी हमें हमारी कम नंबर दे रखी है, जिस वजह से हम पे बैक लग रखी है। अभी 5th सेम तक होता तो हम मानते कि हम बैग भर ले, कोई और ऑप्शन भी थे, लेकिन इस टाइम ऐसा है कि लास्ट में अब एडमिशन होने वाले हैं, बीएड के एडमिशन शुरू हो गए हैं, एमएससी के एडमिशन हो गए हैं, इसमें हम बैग भी नहीं भर सकते और रिचेक भी नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे, 3-4 महीने। लेकिन हमारा जो रिजल्ट करा है, हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जल्द से जल्द हमारी मार्क्स आनी चाहिए। जैसा कि आज हम सभी यहाँ पे महाविद्यालय अगस्त मुनि के प्रांगण में, मां शारदा के प्रांगण में बैठे हैं, और इसलिए बैठे हैं क्योंकि आज हमें छात्रों को न्याय दिलाना है, न्याय की बातें करनी है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सितंबर माह में हमारे लाख नामंजूरी के बावजूद भी सरकार द्वारा, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बीएससी फाइनल वर्ष के पेपर कराए गए, और जिस बात की हमें डर था, जिस बात की हमें आशंका थी, आज वही बात पूरी हुई है और वही देखने को मिली है, क्योंकि अधिकतर बच्चे महाविद्यालय अगस्त मुनि के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, और जो पास भी हुए हैं उनके मात्र 70 में से 26, 70 में से 28, और जो हमारे महाविद्यालय के टॉपर बच्चे थे वो अगर 70 में से 28 बच्चे नंबर लाते हैं, तो इसका मतलब हमें साफ अंदाजा वहां पे हो जाता है कि जो महाविद्यालय की कॉपियां हैं वो गलत ढंग से चेक हुई है। अगर जो आपने ओएमआर शीट के माध्यम से इस बार जो बिल्कुल फॉर्मल तरीके से आपने बताया था कि कोई भी इसमें मतलब गलती नहीं होगी, वो बिल्कुल गलती साफ हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर बच्चे इतने कम मार्क्स लाते हैं सब पढ़ने के बावजूद भी, तो सच में विश्वविद्यालय की यहाँ पे कोई ना कोई गलती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारी यहाँ पे मांग है, हम चाहते हैं कि जब भी किसी प्रकार का ओएमआर एग्जाम या एमसीक्यू के माध्यम से पेपर होता है तो उसके अगले दिन जो उस परीक्षा को कराता है उसके एक आंसर की मुहैया करानी चाहिए, जिससे बच्चा अपना स्व आकलन कर दे कि वो क्या वो जो एग्जाम में आंसर लिख रहा है क्या उसके सही है। तो इस बात को लेके आज हमारा पूरा छात्र संघ बीएससी फाइनल के बच्चों के साथ, स्वयं मैं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि इन बच्चों के साथ बैठा हूँ, और हमारी यही मांग है कि सबसे पहले हमें आंसर की मुहैया कराई जाए, और अंक सुधार परीक्षा जो यूजीसी ने कहा था कि अगर कोई भी बच्चा अनसेटिस्फाइड होगा तो उसकी अंक सुधार परीक्षा यहाँ पे होनी है, तो वो भी जल्द से जल्द करा पाए। और हमारी तीसरी मांग ये है कि इन जो कॉपियां हैं जो बच्चों के 28 या 26, 24, किसी के 5 नंबर, किसी के 6 नंबर, इस प्रकार से जो मार्क्स आए हैं उनका दोबारा से रीचेकिंग हो, सभी बच्चों की कॉपियां रीचेक हो और दोबारा से रिजल्ट बनाए जाए। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।